दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के 2019 वाले रूप में कल ऋषभ पंत 2022 में भी नजर आए। जी हां, ऋषभ पंत बीच मैदान में एम्पायर पर काफी गुस्सा नजर आए। आपके हिसाब से ऋषभ पंत का ये बिहेवियर ठीक था या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि कल एक ऐसी नो बॉल थी जिसको एम्पायर ने नो बॉल करार नहीं दिया और जिसके बाद बीच मैदान में ऋषभ पंत काफी गुस्से में नजर आए। जी हां, ऋषभ पंत अपने खिलाड़ियों को उसी प्रकार मैदान से बाहर बुलाते हुए नजर आए जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी 2019 में। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी बीच मैदान में चले गए थे लेकिन ऋषभ पंत ने बीच मैदान में ना जाकर मैदान के बाहर से ही अपने खिलाड़ियों को गुस्से में बाहर बुलाया और ये संदेश दिया कि अब खेल बंद करो, जिसके बाद बीच मैदान में काफ़ी ड्रामा होता हुआ नजर आया। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले किस प्रकार से ये नो बॉल एम्पायर ने नहीं दी, उसके बाद डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ी दिल्ली के इसको नो बॉल करने की मांग करने लगे, लेकिन ऋषभ पंत इसके बाद मैदान की तरफ बढ़े। हालांकि वो रुक गए बाउंड्री लाइन से पहले ही और एम्पायर की तरफ इशारा करते हुए पहले तो उन्होंने पूछा ये नो बॉल क्यों नहीं दी, लेकिन जब एम्पायर ने इसको नो बॉल करार नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान में वापस खेल छोड़कर अंदर डगआउट में आने का संदेश दे दिया। 2-3 मिनट तक ये ड्रामा लगातार चलता रहा। हालांकि बाद में शेन वाटसन ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और ऋषभ पंत ने खेल को जारी रखने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि ड्रामा दरअसल हुआ क्यों। दरअसल अंतिम ओवर में जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 36 रन की जरूरत थी, 6 बॉल में 6 छक्के की जरूरत थी और 2 बॉल में 2 छक्के पवेल लगा चुके थे। तीसरी गेंद पर ही पवेल ने छक्का लगा दिया लेकिन ये गेंद कमर की ऊंचाई से थी और कमर की ऊंचाई के बाद एम्पायर ने इसको नो बॉल नहीं दिया, जिस पर सभी टीम भड़क गई। जी हाँ, ये टीम भड़कने के बाद डगआउट में और बीच मैदान में जमकर ड्रामा चला और ये ड्रामा ये नतीजा ये हुआ कि ऋषभ पंत ने अपने खिलाड़ियों को एक समय बुलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन एम्पायर ने और टीम मैनेजमेंट ने संभालने के बाद ये मामला शांत हुआ। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऋषभ पंत का ये जो एग्रेशन था बीच मैदान में ये ठीक था या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में भी राय देना बिल्कुल ना भूलें।